हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं सितंबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन करके रख दिया। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बजाज ऑटो में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज से यानी कि फ्राइडे के दिन 0.77% का पॉजिटिव मूव 10,891.55 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है अगस्त 30th को। तो क्या ऐसा ही यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाले या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाले, उसी बारे में हम बात करने वाले इस स्टॉक का। क्योंकि हम मंथली का एनालाइज करें तो इस मंथ में लास्ट फ्राइडे तक जो किस रेंज में स्टॉक जो क्लोज होते देखने मिला वो हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय का सबसे पहले तो देखते हैं लास्ट मंथ का यहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरह का हमें देखने मिला है। तो परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.45% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने मिला है। टेक्निकल समय जरूर बाई का इंडिकेशन देते हैं लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। चलिए बिना समय का यहाँ पे जो है थोड़ा सा मंथली के चार्ट पे जो है हम यहाँ पे किस तरह का वॉल्यूम और कैंडल बनते हुए देखने मिला वो हम देख लें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बजाज ऑटो में ये वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा यहाँ पे कम जो देखने जरूर मिल रहा है। कैंडल जरूर है कि यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की बॉडी बनी है, नीचे के साइड में थोड़ी सी बड़ी और ऊपर की साइड में बारीक से विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो 89 के आसपास जो हमारा 89-90 के आसपास जो हमारा आरएसआई आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर जो भरोसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए जाते हैं वीकली के चार्ट पे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं आपको वीकली के चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को मार्क करते हुए जो यहाँ पे मेरा ओपिनियन बताता है। फिलहाल ट्रेंड जो है स्टॉक में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। पोजिशनल आपको यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ अपॉर्चुनिटी देखने मिले बाइंग साइड की तो जरूर वहाँ पे ग्रैब करें क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अब जो है मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मैं मार्क करके रख देता हूँ जो यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे इस मंथ का जो यानी सितंबर का मंथ का जो ट्रेड लेने में। तो जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्किंग हमारी हो चुकी है। क्लोजिंग 10,891 पे देखने मिल रही है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 10,402 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 11,014 का। डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 9,954 का। उसके बाद कहता है 9,356 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद कहता है 11,502 का। उसके बाद कहता है 12,000 का। करंटली मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जरूर जो है अगर मैं कहूँ उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको जो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें। वहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताया किस तरह से यहाँ पे आपको जो है ट्रेड लेना है। करंटली मेरा एक्सपेक्टेशन जरूर इस मंथ के लिए कहूँ तक नेगेटिव मूव का है। 9,954 से लेकर 10,402 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। अगर यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग 11,000 के ऊपर जो स्टॉक हमें इंट्रा डिवाइस किसी भी दिन जो है क्लोज होते हुए देखने मिला तो स्टॉक जो जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग देगा लेकिन फिर नो ट्रेडिंग जोन यानी कि 10,402 से लेकर 11,000 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।